फेसबुक डेवलपर्स खान फरेंस एफ आर्ट में कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का नया डिजाइन पेश किया है। इस नए डिजाइन में न्यूज फीड को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। इसके अलावा फेसबुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी पर फोकस किया है। इस नए डिजाइन में लॉन्च के समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने सिग्नेचर ब्लू बैनर को भी हटाया गया है। इस नए डिजाइन में फेसबुक के मैसेजिंग ऐप, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और वीडियो ऑन डिमांड साइट को शोकेस किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने बिजनेस के लिए सोशल सर्कल भी जारी किया है। डेटिंग के लिए यूजर्स को सीक्रेट क्रश का ऑप्शन मिलेगा। फेसबुक डेटिंग के लिए यूजर्स को अब अपॉइंटमेंट बुक करने का टूल भी दिया जाएगा। इस मौके पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने कहा, जैसे जैसे दुनिया बड़ी और अधिक जुड़ती जा रही है, हमें इंटीमेसी के उस अर्थ की आवश्यकता होती है जो पहले से कहीं और अधिक है। इसलिए मेरा मानना है कि इसका भविष्य प्राइवेट है। यह हमारी सेवाओं के लिए अगला अध्याय है। इससे पहले मार्च में जुकरबर्ग ने यह वादा किया था कि इस विज्ञापन से भरे हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी का मुख्य लक्ष्य यूजर्स के डेटा प्राइवेसी की स्क्रूटनी करनी है। कंपनी ने ऑनलाइन कम्युनिकेशन को तेजी से बढ़ाने के लिए प्राइवेट मैसेजिंग, शॉर्ट लास्टिंग स्टोरी और छोटे ग्रुप को चिन्हित किया है। फेसबुक ने नए डिजाइन को ज्यादा प्राइवेट और इनक्रिप्टेड यानी सुरक्षित बनाने पर फोकस किया है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ज्यादा निजी हो सके। इसके अलावा फेसबुक पर अफवाहों और फेक न्यूज से लड़ने की भी चुनौती बनी हुई थी। पिछले साल से ही फेसबुक डेटा प्राइवेसी को लेकर कई विवाद सामने आ चुके थे, जिसकी वजह से इन फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए जुकरबर्ग ने प्राइवेसी पर ज्यादा फोकस किया है। फेसबुक मैसेंजर ऐप को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए लाइट स्पीड पर काम किया जा रहा है, जो ऐप को छोटा और ज्यादा तेज बनाएगा। फेसबुक मैसेंजर के डेस्कटॉप वर्जन को भी विंडोज और मैक यूजर्स के लिए पेश किया गया। इस फीचर को व्हाट्सएप बिजनेस के लिए प्रोडक्ट के डायलॉग कहा गया है। यह फीचर इस साल के अंत तक रोल आउट कर दिया जाएगा। इसके अलावा फेसबुक ने इस महीने इंस्टाग्राम में भी कई बदलाव किए हैं। कई यूजर्स के फोटो और वीडियो पर मिलने वाले लाइक्स के अलावा कई पेज और प्रोफाइल को भी रिमूव किया गया है। फेसबुक में अब कई यूजर्स एक साथ वीडियो देख सकेंगे। इस फीचर को पहले ही रोल आउट कर दिया गया है। कई यूजर्स को यह उम्मीद थी कि फेसबुक के तीनों ही ऐप्स व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम को एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इसके अलावा फेसबुक डेटिंग ऐप को 14 नई मार्केट में रोल आउट किया जाएगा।